आप लोगों से निवेदन है कि दूध का सेवन करें, गौ माता पर जोर दें, यह आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। रही बात बकरी, मैं स्वागत करता हूँ और इस विश्व वाल्मीकि दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते रहे हो आज जान रहे होंगे कि 21 नवंबर को विश्व वाल्मीकि दिवस मनाया जाए। श्रीमान ये केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हमारे जिलाधिकारी स्वयं श्रीमान शिव प्रसाद और ये लीजिए सीवीओ साहब। सीवीओ सर मौजूद है, पूरे सम्मान के साथ आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि हमारे सीवीओ सर आए और हमारे सम्मानित कृषक बंधुओं को प्यार दुलार के नाते ज्यादा क्षमता से काम करने की शक्ति होती है। यह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन यह सबके मन में रहता है। क्या कार्यक्रम है आज 21 नवंबर को हम विश्व वाल्मीकि दिवस मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में आज कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हमारे मत्स्यपालकों को बुलाया गया था। भारी संख्या में मत्स्यपालक भी आए हुए, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि अभी तक हम केवल महिला कृषि के लिए ही हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी हमारे पास, तो सरकार की मंशा है कि जो हमारे मत्स्यपालक हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जाए और अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि मत्स्य पालन में सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है वो तालाब निर्माण के बाद निवेश पर ही आता है और निवेश के लिए क्योंकि पैसा नहीं जुटा पाता है हमारे जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत कारगारी साबित हो रहा है। और आगे भी मैं मेरा आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना है कि जो भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं अपने स्तर पर कि मत्स्य पालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब जनपद में, और स्पेशल आयोजन 15 नवंबर से 15 फरवरी तक इस अभियान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे हर सप्ताह साप्ताहिक कैंप विभिन्न तहसीलों में भी लगाए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन आप प्रेषित करें ताकि सरकार की जो मंशा है उनका जो उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को आयोजन करने का या जो हमारा कैंप आयोजन किया जा रहा है या स्पेशल अभियान के लिए चलाया जा रहा है वह सफल हो। आज 21 नवंबर के दिन विश्व वाल्मीकि दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट इसी सभागार में किया गया जिसमें मत्स्य पशुपालन और कृषि विभाग के अधिकारियों ने तमाम दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए कृषकों मत्स्यपालकों को न केवल विभाग में चल रही योजनाओं और बैंकों के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बताया गया अपितु उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान भी किया गया। मैंने स्वयं कृषक भाइयों से और पशुपालक भाइयों से अनुरोध किया कि यदि उनको किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों से सीधे संवाद करें। मैंने आज के कार्यक्रम में जो केसीसी के लाभार्थी थे उनको उनका लाभ भी दिया और साथ ही अच्छे पशुपालकों को और मत्स्यपालकों को सम्मानित भी किया, उनको प्रमाण पत्र भी दिया और मैं आज आपके माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी को विश्व वाल्मीकि दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।